सातों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है। मैं समझता हूं कि हम लोग अच्छे बहुमत के साथ सातों सीट जीत के जाएंगे। देश भर में प्रदेश में भाजपा की सरकार एक्सपोज हो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुके हैं। और जहां हम आज खड़े हैं दौसा में, यहां पर डीसी बैरवा जी के पक्ष में पूरा माहौल है और हर वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ खड़े हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि जितना बहुमत पहले मिला था उससे ज़्यादा वोट लेकर हम लोग चुनाव जीत कर जाएंगे यहाँ से। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति उभरी है उसमें लोग समझ गए हैं कि एक जोड़ तोड़ के राजनीति है। और कांग्रेस पार्टी का लोकसभा का परफॉर्मेंस, हम नंबर वन पार्टी थे अपने गठबंधन में और हमारा जो एनडीए का गठबंधन है बड़ा मजबूत है। शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और शायद पहली बार हम लोग मिलकर अपनी घोषणाएं भी करेंगे चुनाव को संबंधित घोषणाओं को लेकर। वहाँ पर हमारे पक्ष में माहौल बना हुआ है। महाराष्ट्र के लोग समझ चुके हैं कि जो लूट और भ्रष्टाचार भाजपा और उसके सहयोगियों ने किया है और सरेआम किया है उसका जवाब जनता देगी। जो पार्टियों में तोड़फोड़ की गई है उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बहुत पहले से हम लोग तैयारी में थे, मुझे मराठवाड़ा की जिम्मेदारी दी है, लगभग 50 सीटें वहाँ पर हैं, तो हम लोग अच्छा प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पे हमारा गठबंधन मजबूत है। झारखंड में जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर भी बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती आप जेल में डाल दें, एजेंसी का दुरुपयोग करें, सीबीआई ईडी का, इनकम टैक्स का, लोग समझ गए हैं कि ये सत्ता पाने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को कुचलने के लिए सरकार पूरी तरह एजेंसी का दुरुपयोग करती है, उसका भी रिएक्शन होगा और हमारे पक्ष में जाएगा। अब देखिए, जब पहले भाजपा की सरकार थी और उपचुनाव हुए थे तब भी अजमेर का उपचुनाव हुआ, बाकी जगह उपचुनाव हुए, वहाँ 30, 50, 60 एमएलए पड़े रहे, 20 मंत्री वहाँ खड़े रहे। मंत्री और विधायकों को भेजने से वोट नहीं मिलता, जनता का मन जीतना पड़ता है, अपने कामों से लोगों के बीच में विश्वास पैदा करना पड़ता है। जिस पार्टी का आप कैंडिडेट हैं उस पार्टी ने क्या किया है, अब 11 महीने सरकार को हो गए, कौन से काम कर दिए। आज ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, डीएपी खाद यूरिया इतनी किल्लत है, कालाबाजारी हो रही है और लोगों को, किसानों को राहत देने का कोई सरकार की मंशा भी नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार धन बल के और अपने प्रशासन की ताकत पे लोगों का वोट जीत पाएगी। लोग यहाँ के बड़े सोच रखने वाले लोग मन रखते हैं, पार्टी ऊपर उठकर विश्वास रखते हैं और कांग्रेस पार्टी वोट डाले। नहीं तो मुझे बता देना उन्होंने क्या उपलब्धियाँ की हैं। उन्होंने घोषणा करी नौकरियों की, नौकरी दे नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हम बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे, मगरमच्छ पकड़ेंगे, उन्होंने क्या किया। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर पाए। 10 महीने में सिर्फ आपस में खिंचाव हुआ है, कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं और निर्णय को ले नहीं पा रहे हैं, अफसरशाही हावी है। सत्ताधारी दल के विधायक खुद रोते फिर रहे हैं जयपुर के अंदर, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग में पता नहीं किसकी चल रही है। तो सत्ता है किसके हाथ में, निर्णय कौन ले रहा है, जवाबदेही किसकी है, ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ है और लोग समझ रहे हैं कि सरकार जो बनी थी उम्मीदों के साथ वो धराशायी हो चुकी है सारी उम्मीदें, और इतने कम समय में सरकार अपना विश्वास खो चुकी है, ये पहली बार राजस्थान में हो रहा है। सर, क्या आप डॉक्टर कुलन मीना मान जाएंगे, क्योंकि इतने दिन से भाई को टिकट मिल गया है, तो ये बात मैंने कहा ना, चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी लड़ती है। और ये चुनाव हालांकि काफ़ी उम्मीदवार होंगे लेकिन मुख्य चुनाव भाजपा कांग्रेस का है। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग यहाँ चुनाव जीते थे, विधानसभा के उपचुनाव में बिल्कुल ऐसे ही होगा।